तो आज हम क्या हमारा आज का टॉपिक है सीखने के लिए पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ क्या होता है हुमैरा, आप बताइए पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ ये होता है जैसे हम प्रेगनेंसी में से लेके लेबर पेन से लेके बेबी डिलीवरी के बाद तक जितने भी सिम्टम होते डायग्नोज होते सारा हर एक चीज़ हम इसके बारे में पूछते हैं लिखते इसी से सारा चीज़ करके फिर एक पार्टोग्राफ बनता है। तो हम इसको इस तरीके से इस डेफिनेशन को और क्लियर करेंगे कि इट इज़ ए ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ लेबर, ठीक है, ऑन पेपर। पेपर के ऊपर जो ग्राफिकल रिकॉर्ड होगा उसको हम पार्टोग्राफ कहते हैं। और इसमें जैसा कि आपने बताया कि शुरू से लेके जब कोई पेशेंट आती है तो सबसे पहले हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमने पेशेंट का नेम, कहीं दूसरे मरीज़ का ना आ जाए, सही है, पेशेंट का नेम, वो कौन सी ग्रेविटा है, कौन सा बेबी प्रेगनेंसी है उसकी, कितने बच्चे पहले हैं, हो सकता है प्राइमरी हो, ठीक है, और हॉस्पिटल नंबर भी मेंशन करना है। इसके अलावा डेट ऑफ एडमिशन, किस डेट पे मरीज़ा आई है, टाइम ऑफ एडमिशन किस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, डेट एंड टाइम। और वो पेशेंट जो है वो मेम्ब्रेन रप्चर के साथ आई है या नहीं आई, अगर वो मेम्ब्रेन रप्चर के साथ आई है तो कितने घंटे, हम उनसे एक रफली आइडिया, क्योंकि लाजमी नहीं कि मरीज़ आपको एक्यूरेट टाइम बता दे, तो हम रफली आइडिया पूछ लेंगे। अब इसमें क्या क्या हमने देखना लिखना होता है और उसको ग्राफ की सूरत में बनाना होता है, फीटल हार्ट रेट, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड, मोल्डिंग और उसकी सर्विक्स जो है कितने सेंटीमीटर हो चुकी है और उसका हेड कितना डिसेंड है, यहाँ पर आवर्स घंटे मेंशन करेंगे और यह टाइम लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह उसकी कॉन्ट्रैक्शन एवरी 10 मिनट्स में कितनी आ रही हैं, हाँ। और उसको हमने क्या उसकी अगर कम है कॉन्ट्रैक्शन, हाँ। हमने उसको सिंटोसिनोन या ऑक्सीटोसिन कितना बढ़ाना है, हाँ। ठीक है ना, ऑगमेंट करने के लिए, ऑगमेंट करना यानी कि थोड़े से पेन को बढ़ाने के लिए, अगर उसको सही पेन नहीं आ रहे तो उसको हम थोड़ा ऑक्सीटोसिन की तादाद कभी 1 यूनिट देते हैं, कभी 2 यूनिट डालते हैं ड्रिप में। और हमेशा याद रखें कि ड्रिप्स जो है ना हमेशा ऑक्सीटोसिन रिंगोलेक्टेड या नॉर्मल सेलाइन में डालना है, इसके अलावा 5% DW में कभी नहीं डालना, ठीक है, 5% DW में कभी नहीं डालना ऑक्सीटोसिन, हमेशा ऑक्सीटोसिन को रिंगोलेक्टेड या नॉर्मल सलाइन में डालना है, ये बात। फिर इसके बाद हमने जो है क्या यहाँ पर ग्राफ पे मेंशन करना है कि इसके अलावा उसको कौन सी ड्रग्स जो है वो दी गई है। कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन उसकी रप्चर मेम्ब्रेन हो जाती है तो हम उसको उससे ऊपर है पेल्विक ग्रिम, ये होता है, ठीक है, पेल्विक ग्रिम, हाँ। इससे ऊपर वाले में माइनस में लिखेंगे हम, जैसे -3, -2, और नीचे वाला जो ब्रिम से है वो प्लस में आ जाएगा, हाँ। +1, +2, +3, ठीक है। तो ब्रिम का हमें कैसे पता चलता है, जैसे पेशेंट 5x5 है, अगर हमारी पेशेंट के एब्डोमेन है, फर्स्ट करिए पेशेंट एब्डोमेन है और उसके ऊपर पूरी 5 फिंगर आ रही हैं, हाँ। तो 5x5 लिखेंगे हम, उसको मेंशन करेंगे 5x5। अगर हमारी 3 फिंगर आ रही हैं तो 3x5, ये हेड डिसेंड की बात कर रही हूँ मैं, उसको 0 से मेंशन करेंगे आप, ठीक है, समझ लें कि इसका जो है प्लस में आ रहा है, माइनस में 1 पे है पेशेंट का हेड या बेबी का हेड जो है 1 पर है, तो हम इसको 0 से यहाँ मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर है 1, ठीक है। अब यहाँ पे घंटे मेंशन करने और फिर टाइम, कितने घंटे हो चुके पेशेंट, अभी 3 घंटे लेबर में जब से आई है, ये 3रा घंटा है, 4था है 5वां क्या है, ये यहाँ पर मेंशन कर। मैडम प्राइमरी 12-13 घंटा लेते हैं ना, हाँ, प्राइमरी का देखिए, अब ये भी स्टेजेस पे होता है, वो स्टेजेस वाला जो है ना हम किसी और दिन पढ़ेंगे स्टेजेस, ताकि हमें अभी फ़िलहाल पार्टोग्राफ की जो मेन चीज़ें हैं ना वो हमें याद रह जाए, फिर हम स्टेज लेबर की जो स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो पढ़ेंगे, सही है। फिर उसके बाद ऑक्सीटोसिन कितनी दे, कभी हमें अगर पेन अच्छे नहीं आ रहे हैं तो ऑगमेंट करने के लिए कभी 1 यूनिट कभी 2 यूनिट देनी होती, इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन की बात है, मैडम पर मिनट के हिसाब से देते हैं ना। अब जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन जो है 10 मिनट्स में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन ये नॉर्मल है, 10 मिनट्स हर 10 मिनट बाद पेशेंट का जो है एब्डोमेन हार्ट हो रहा है, हाँ। अब उसके ऊपर हमने हार्ड हो रहा है उस पर हाथ रख के हमने फील करना है कि इसको कॉन्ट्रैक्शन आ रही है या नहीं आ रही, यानी कि वो सख्त हो रहा है और अगर फिर वो सॉफ्ट हो जाता है, अगर 10 मिनट में 2 आ रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 को जो है वो जो भी हम क्रॉस कर दें, डॉट लगा दें, ठीक है, ये 10 मिनट में 2 आ रही, अगर 5 आ रही हैं 10 मिनट में, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छी है,
अगर 10 मिनट में एक या दो आ रही तब हमें सेंटोसिनोन की ज़रूरत होती है कि उसको ऑगमेंट करने के लिए हम थोड़ा सा 1 यूनिट या 2 यूनिट अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, ठीक है, वो देंगे। और अगर उसकी नॉर्मल रेंज में आ जाती 10 मिनट में 3 से 4 आ रही हैं तो उतनी ही फिर मिकदार सिंटो की रखेंगे और ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो ये था, अब यहाँ पे पल्स को डॉट से मेंशन किया है और बीपी को आप जानते हैं कि एरो का ऊपर का और एरो का नीचे का, जितना भी बीपी हो फर्ज करो इस पेशेंट का बीपी जो है वो 130/ATR है, तो हमने ऐसे मेंशन किया। तो ये था सिंपल और इजी पार्टोग्राफ की डेफिनेशन, ठीक है। तो